मैं भी अपने जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ। मेरा बचपन बहुत पैसे में गुजरा, लेकिन पेरेंट्स क्योंकि इस प्रकार के बिजनेस में थे जो कि अप डाउन बहुत होता था, स्पेकुलेटिव बिजनेस था, तो जब 17 साल का हुआ कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में 18 साल का पढ़ने गया, वापस बुला लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि फीस देने को पैसे नहीं हैं। घर में आके वापस अपना फैमिली का बिजनेस पल्सेस प्रोसेसिंग का शुरू किया, तो वर्किंग कैपिटल नहीं था। तो इसी प्रकार से एक रिलेशनशिप बने एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर से, और उसको हमने कहा, कुछ आइडिया शेयर किया, उन्होंने उस रिलेशनशिप की वजह से ही अपने ऑफिसर्स को मिला करके हमको एक नया काम इस देश में शुरू हुआ। जब हमने क्या किसी पहली बार आर्मी को सप्लाई हम जैसा आदमी कर पाया जिसके पास पैसा भी नहीं था, तो रिलेशनशिप की बहुत पावर है। इसके साथ ही जो हम सुबह डिस्कशन पे थे उस बात को वापस आता हूँ, और जो अगर आप डिक्शनरी की मायने अगर रिलेशनशिप के जानना चाहें तो ये कहता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है, इट इज़ अ कंडीशन और ए फैक्ट ऑफ बीइंग रिलेटेड कनेक्टेड और हैविंग एन एसोसिएशन। उसका ये मायने रियल में एक डिक्शनरी का मायने दिया, इनका कनेक्शन मतलब आप किसी न किसी कारण से किसी से जुड़े हुए हैं। वट एवर दिस जेंटलमैन सेड हियर, व्हाट्स योर गुड नेम? रहमतुल्लाह पश्तून फ्रॉम अफगानिस्तान। फ्रॉम अफगानिस्तान, यस, थैंक यू वेरी मच। यू गेव अस ए मीनिंग विच आई, करेक्ट मी इफ आई वॉज रॉन्ग और आई एम रॉन्ग इन अंडरस्टैंडिंग, दैट वी कैन एस्टैब्लिश ए कनेक्शन इवन विद अ शॉर्ट टाइम। टूडे when you are listening to me, I am talking to you, we have a connection. Yes, exactly. And that is a relationship we have developed. It may last till this show lasts, or it may continue later on. You may tomorrow think about it, you may remember this show, you may say that Subhash Chandra was talking sense or he was talking nonsense. So you will have a relationship, maybe it is a negative relationship, negative feeling, negative remembrance, but there would be connectivity between the us, or it may stop here itself. Yes. Thank you, Rahmatullah, for thank you so much, thank you, giving a new definition at least to me. And of course kisi ne ye bhi kaha ki relationship jo hai wo ek pakshi ki tarah se hai, it's like a bird. Pakshi ko agar bahut zyada mazbooti se pakdenge wo pakshi mar jayega. इसी तरह से रिलेशनशिप में भी उसने कहा कि अगर रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, अगर बहुत ज़्यादा उससे क्लिंग करोगे, उसको अपने जो भी जिससे भी रिलेशनशिप हो आपके, अगर उसको थोड़ा कुछ स्पेस नहीं दोगे तो वो रिलेशनशिप किसी न किसी स्टेज पर सफोकेट करने लगेगी, परेशान करने लगेगी, और दोनों में से एक व्यक्ति शायद उस रिलेशनशिप से दूर होने की कोशिश करे। So it's like a bird, if you hold it tightly it can die, but hold it light then this relationship can fly, it can continue, it can go to the higher and higher heights of the relationship, and if you hold them with care then it remains there forever. Ab in teen cheezon mein, if you are holding it too tight, if you are holding it at ease, or if you are caring about the relationship, this says all about the relationship. Relationship अच्छी और बुरी भी होती है, तो हमको define करने पड़ेगी क्या अच्छी relationship है क्या बुरी relationship है। How do you define a good relationship? जब आप एक दूसरे को trust करते हैं, एक definition हुई अच्छे relationship की, और क्या कहेंगे आप? According to me, what a good relationship is, a good relationship has mutuality, mutual like, respect. Yeah, mutual respect, mutuality. But it has the feeling on both the sides. आप कह रहे हो दोनों तरफ से होना चाहिए. Exactly. प्यार एक तरफ से नहीं होता. Exactly. जी समझ गया. जी और बताइए. Good morning, sir. बड़ा अच्छा कहा आपने.
So according to me, a good relationship is based on trust and understanding. If you have understanding and trust, obviously a relationship would fly. Yes, trust and understanding. Yes. Sir, it is a relationship is good when both are being benefited. Like if one is, it is a win-win situation, not a win-lose situation. ये तो लेने देने की बात हो गई. आप मेरे लिए ये करिए, you scratch my back and I do yours. वो relationship नहीं हुई ना. Win-win होना चाहिए, एक दूसरे की mutual respect होनी चाहिए, माना. लेकिन win-win relationship तो वो फिर transactional हो गया. इसमें मुझे एक बात याद आती है, हमने पीछे एज ए मीडिया 4 साल पहले भारतीय पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया और इस बिल में 2 बिल एक्चुअली लाए गए, जो कि एक बिल ऐसा था कि अगर पत्नी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर दे कि मेरा पति मुझे इल ट्रीट करता है तो पुलिस पहली बार वार्न करेगी, दूसरी बार उसको गिरफ्तार कर लेगी. उनको कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से वो इल ट्रीट करता. दूसरा बिल वो ये लाए कि यदि कोई बच्चा भी भले किसी भी एज का हो, 5-6 साल से ऊपर हो, बोल सकता हो, 5-6 साल की उम्र से 20-22-25 साल का किसी भी उम्र का हो या हो लड़की हो, वो यदि कंप्लेंट करे कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो पेरेंट्स को भी वो इसी तरह से पहले वार्न करेंगे, दूसरी बार गिरफ्तार कर लेंगे. तो हमने इस बात को अपोज किया. आप शायद कहेंगे कि आपने गलत अपोज किया, कि हमें ये लगा कि भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है, जिनको उसी प्रकार का वातावरण मिला है, कोई गाइड करने वाला नहीं है. वो कई जगह ऐसे किस्से हैं जो आदमी अपने औरत को इल ट्रीट करता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी किस्से हैं जैसे सिक्किम. सिक्किम भारत का ही एक अंग है. सिक्किम के अंदर एक परंपरा है कि वो लड़का लड़की के घर आता, तो वहां पे ऐसे किस्से भी देखे गए कि वो लड़की अपने पति से इल ट्रीट करती. लेकिन ये सब होने के बावजूद भी बाय एंड लार्ज पति पत्नी के रिलेशन हिंदुस्तान में अच्छे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिवोर्स रेट भारतवर्ष में 0.002% है, जो कि एक विकसित देश में बिना उसका नाम लिए कहूंगा, पहली शादी 65% टाइम डिवोर्स में कन्वर्ट होती. तो ये भी स्थिति है. और जहां वैसे ही देशों में क्योंकि डिवोर्स हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, बच्चा या बच्ची चाहे वो पति की हो चाहे पत्नी की हो, वो नए रिलेशन में आ जाती हैं, तो वो आदमी भी उसको लड़की को इल ट्रीट करता है या लड़के को इल ट्रीट करता है. इंडिविजुअल सोसाइटी है तो वो कई बार ऐसे भी किस्से होते हैं, ज़्यादातर कैसे इससे ऐसे किस्से होते हैं कि वो आदमी ड्रगिस्ट है, कुछ है, वो अपनी स्टेप डॉटर को इल ट्रीट करता है, वहाँ ये रिलेशनशिप्स हैं. लेकिन हिंदुस्तान में अगर आप एग्रीमेंट से रिलेशनशिप बनाएंगे, एग्रीमेंट किया आपने कि मैं अपने पत्नी को ठीक से ट्रीट करूँगा, आज से मैं लिख के देता हूँ, अंडरटेकिंग पुलिस को देता हूँ, या आज से मैं अपने बच्चे को कभी थप्पड़ नहीं मारूंगा. आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को आपके पेरेंट ने इल ट्रीट किया? थप्पड़ तो मारा होगा जरूर कभी ना कभी. खैर, आप कहते थप्पड़ भी नहीं खाए, हमने बहुत थप्पड़ खाए हैं. लेकिन जब पिताजी मारते थे तो मेरे भले के लिए मारते थे. माँ मारती है तो अपने बच्चे को भले के लिए मारती है, बल्कि माँ की मार में तो मार थप्पड़ लगता भी नहीं है, बाप की मार पे तो थप्पड़ जोर से लगता है. भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है दोस्तों, जिसमें के रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट से हों या एग्रीमेंट्स बना के किए जाए. मैं तो ये कहूंगा कि कन्फ्लिक्ट होना किसी भी रिलेशनशिप में
एक स्वाभाविक चीज है और एक अपॉर्चुनिटी है उस रिलेशनशिप को, उसके अंदर बॉन्ड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए।